नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करें यहां पर IRFC और RBNL के बारे में। अगर आप यहां पर देखेंगे तो RBNL और IRFC के अंदर आपको दो दिनों के अंदर काफ़ी बड़ी तेजी देखने को मिली है। वहीं RBNL में अगर आप देखें तो कल की डेट में आपने देखा कि स्टॉक में 8% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली। वहीं स्टॉक में आज भी 5% की तेजी बनी हुई है। IRFC के अंदर भी आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी 5% की तेजी देखने को मिली है आज की डेट में। तो इन स्टॉक्स में ऐसा क्या हुआ है, और वहीं साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्या अभी के समय में इन स्टॉक्स को खरीदना एक अच्छी बात होगी, या फिर हमें अभी वेट करना चाहिए खरीदने के लिए, क्या हमें माल सेल करना चाहिए, उन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। वहीं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ हम स्टॉक मार्केट के बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए कोर्स लेकर के आने वाले हैं, और उस कोर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। तो हमारे ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके ज़रूर रखिएगा दोस्तों, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर आपको ये कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं IRFC की। तो IRFC में अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर स्टॉक में अभी अगर खरीदारी की बात करें तो अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के हिसाब से हैं तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो आपको यहाँ पर अब एक दो दिन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग का प्लान करना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लान से हैं, जैसे कि आपको पता है जब ये स्टॉक 20 रुपये 21 रुपये के लेवल पर था, तब मैंने आपको कितना स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि इस स्टॉक को आप खरीद के भूल जाइए, FD समझ लीजिए बैंक से, जैसे आपने करा रखी है 5% से ज़्यादा के रिटर्न आपको डिविडेंड के तौर पे मिलते रहेंगे, और साथ ही साथ फ्यूचर में ये स्टॉक आपको पैसा डबल तिबल करके देगा, जो कि आपने देखा ही कि 20 रुपये से ये स्टॉक ने 38 रुपये का हाई भी बनाया, और आज के समय में स्टॉक वापस 35 रुपये के ऊपर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंट हमें IRFC में देखने को मिलता है, क्योंकि IRFC का रिजल्ट है वो आने वाला है, और रिजल्ट अच्छा रहने वाला है, जिस वजह से वापस स्टॉक अपने हाई की तरफ बढ़ रहा है और अपना हाई इस बार तोड़ने के प्लान में है। लेकिन आपको 40 रुपये से ऊपर का इसमें लेवल अभी गैस नहीं करना चाहिए, और वहीं साथ ही साथ अगर आप शॉर्ट टर्म के प्लान से थे तो आपको प्रॉफिट बुक करने का भी प्लान करना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर हम RBNL की बात करें तो RBNL स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिला कि स्टॉक आज 135 रुपये के ऊपर पहुंच चुका है। वहीं स्टॉक जब 30 रुपीज़ के करीब चल रहा था, 30, 32, 35 रुपये, तब इतना रिकमेंड किया गया था कि आप इस स्टॉक को खरीद लीजिए 30 रुपये करीब। अगर मैं अपनी पर्सनल ख़रीदारी की बात करूँ तो मेरे पास ये स्टॉक 27 रुपये के लेवल से पड़ा हुआ है, और इसमें आप समझ सकते हैं कि करीबन 350% के रिटर्न मुझे मिल रहे हैं इस स्टॉक में अभी भी। लेकिन मैंने इसको फ्यूचर के हिसाब से ही लिया था कि लंबे समय तक इसको होल्ड करना है, तो इसलिए मेरे पास अभी भी बहुत सारी क्वांटिटी इस स्टॉक की रखी हुई है। IRFC, RBNL या फिर कहें IRCON, तो इन सभी रेलवे के स्टॉक्स को निवेश करने के लिए मैंने आपको इसीलिए बोला था, क्योंकि इन स्टॉक्स में हमें अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। एक तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास सरकार का एक सपोर्ट है, और वहीं साथ ही साथ हम यहाँ पर देखें तो इनमें फ्यूचर हमें दिखाई देता है, क्योंकि जैसे RBNL में इस समय तेजी की वजह क्या है, इन्हें NHAI के द्वारा एक 808 करोड़ रुपये का ऑर्डर भी मिला है, जो कि बहुत जल्दी ये कम्प्लीट भी कर देंगे। 4 लेन से 8 लेन का रोड बनाना है NH-53 को, और इसी वजह से स्टॉक में आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है अभी के समय में। तो ये तो तेजी की वजह हुई, और वहीं अगर RBNL की बात करें तो आप 140 का लेवल इसमें अभी लेकर के चल सकते हैं। बाकी देखिए, स्टॉक में जब तेजी बनती है तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है, जिसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। तो कभी भी स्टॉक्स को खरीदना है तो कंपनी अच्छी तलाश कीजिए, फंडामेंटल्स देखिए, उसके बाद जैसे ही कंपनी आपको प्रॉफिट बुकिंग के बाद जब मिलती है तब आपको स्टॉक जरूर खरीदना चाहिए। तो अभी बाइंग से थोड़ा सा बच के रहें, शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रहे हैं तो आप थोड़ी बहुत ट्रेडिंग बतौर ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगा करके, जैसे कि अगर बात करें तो 130 रुपीज़ का इसमें स्टॉक लॉस जरूर रखिएगा, और वहीं अगर IRFC की बात करें तो 32 रुपीज़ का स्टॉप लॉस वहाँ पर भी आपको रखना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर 30 रुपीज़ की स्टॉक नीचे जब आपको मिले तो वापस से आप IRFC में खरीदारी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।